हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ की सीरीज, जिसमें हम चार चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज होगा हमारा चैप्टर नंबर पाँच। दोस्तों, जो चैप्टर नंबर पाँच होगा वो परसेंटेज होगा, और जो परसेंटेज चैप्टर है जो आने वाले यूपी पैट में, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यूपी पैट होगा और आने वाले यूपीएसआई और भी एग्जाम है, उसमें इसके परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोस्तों, तो आइए चलते हैं परसेंटेज पर, देखते हैं परसेंटेज के मल्टी सॉल्यूशन। आज दोस्तों परसेंटेज का मल्टी सॉल्यूशन बताएंगे, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पर। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या हमारा, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर करनी हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी होगी। दोस्तों, सवाल सिंपल है, पर देखते हैं कैसे होगा सवाल। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% कटौती की गई, कटौती मतलब कमी की गई, 100 थी और 20 कम कर दी तो 80 रहेगी, तो क्या करेंगे हम, जितनी कम करी 20%, अब 20% कम करने वाला कितनी बचेगी, 80। दोस्तों, अगर कटौती है या कमी है तो 100 में से घटाएंगे, अगर यहाँ पर वृद्धि होती तो 100 में हम जोड़ते, 20/80 कटौती 20% की कितने की, गुणा परसेंटेज के लिए 100, क्योंकि हमारा आंसर परसेंटेज में, काट लीजिएगा 20 × 80 और 25 × 100। तो उसकी मजदूरी है उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि करें कि पहले जितनी मजदूरी हो जाए हमारी। दोस्तों, 20% कटौती करने के बाद उसकी मजदूरी कम हुई, अगर उसको हम पहले इतने बराबर लाना है तो क्या करना होगा, मैं जो उसकी मजदूरी कटौती हुई है अगर उसमें हम 25% की वृद्धि कर दें तो उसकी मजदूरी पहले इतनी हो जाएगी, तो कितने परसेंट की वृद्धि कर दें, 25% की वृद्धि कर दें इसकी मजदूरी में, तो जो इसकी मजदूरी है पहले इतनी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं करना क्या, करना कुछ नहीं है, यहाँ देखना सवाल को, सवाल बड़ा है कोई दिक्कत नहीं। हमें एक मजदूर की, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की, बस यहीं देखना है, यहीं पे हमारा, ठीक है, कटौती या कमी बात एक ही है, अगर वृद्धि होती तो यहाँ जोड़ के लिखते, अगर यहाँ कमी है तो यहाँ पर घटा कर लिखेंगे, और जितनी हो रही हमारी कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है वो ऊपर लिखेंगे, अगर यहाँ कमी होती तो हमने घटा कर लिखा हमने, अगर यहाँ वृद्धि होती, अगर यहाँ वृद्धि बोलेगा तो यहाँ कमी बोलेगा, अगर यहाँ कमी बोलेगा तो यहाँ वृद्धि बोलेगा, इस सवाल का ये रूपरेखा ऐसी है, अगर यहाँ कटौती कमी बोल रहा है तो यहाँ वृद्धि या फिर अधिक बोलेगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, सवाल सेम है, वहाँ कमी थी, यहाँ क्या वृद्धि है, तो सवाल को हमें पहचानना है। दोस्तों इस वीडियो में एक टाइप का एक ही सवाल होगा, और हम परसेंटेज जितने भी टाइप हैं उनको कवर करेंगे, ना कि सवालों को सोल्व करेंगे। अगर आप टाइप जानते हैं और प्रत्येक टाइप का सवाल करना जानते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज के अधिक से अधिक सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगर केवल आप सवाल ही सोल्व करें, जैसे हमने अभी ये सवाल कराया, इस पर हम चार सवाल कराऊंगा, तो आपका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, MB और टाइम वैसे ही वेस्ट होगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको एक ही टाइप का एक ही क्वेश्चन ला रहा हूँ, और जिससे कि आप अपनी बुक्स के या अपनी प्रैक्टिस सेट के इस टाइप के क्वेश्चन कर सकें। हमारा करने बताने का मकसद यही है, पहले कमी वाला बताया था, अभी वृद्धि वाला बता रहे हैं, तो हमारे बताने का मकसद हमारा यही है, केवल टाइप को कवर करना, जितने परसेंटी में प्रकार के सवाल एग्जाम आते हैं या प्रैक्टिस सेट में हमारी बुक्स में है उसको कवर कराना है। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर दो को, सवाल नंबर दो क्या है, एक अधिकारी की वेतन में 20% की कमी की गई, इससे पहले वेतन के समतुल लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। मतलब एक अधिकारी है, उसके वेतन में 20% की, समझा रहे हैं इसलिए दोस्तों करेंगे तो डायरेक्ट वहाँ पर रख के कर देंगे। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे पहले वेतन के समतुल लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा, ताकि जो हमारा वेतन था जो पहला था वृद्धि होने से पहले उसके समतुल था उसके बराबर हो जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे, 20 कितनी वृद्धि हुई, 20 की। अब मैंने आपको बताया भी थोड़े पहले, जब वृद्धि हो तो नीचे जोड़ लेंगे, और कमी हो या कटौती हो तो नीचे घटा कर, अधिक बोलता तब भी हम जोड़ लेते, तो 20/120। और दोस्तों परसेंटेज के लिए क्या 100 लगाते हैं, अब आप काट लीजिए 0 से 0, 6 × 2 = 12, काट लो 2 से 2 = 3 = 6, 2 × 5 = 10, 50/3 काट लो 16 × 3 = 48, तो 16 सही 2/3% की। दोस्तों अगर हम कमी कर दें उसकी जो वृद्धि हुई है तो उसकी जो इनकम है उसका जो वेतन है पहले इतना हो जाएगा।
आप इस टाइप का सवाल समझ गएंगे। अगर आपके प्रैक्टिस सेट में या बुक्स में या एग्जाम में आपको देखने मिले इस टाइप का सवाल आ रहा है, वृद्धि वाला तो ऊपर नीचे जोड़ के और कमी वाला नीचे हटा के, दो टाइप दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अगर इस आपको वीडियो से कुछ हासिल हो रहा है तभी लाइक करें, अन्यथा इसको हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ना करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, उस वस्तु उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने % प्रभावित हुई? ऐसे पूछ सकता है कमी हुई या वृद्धि हुई, ऐसे पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब करना क्या है, जब सवाल में 2% दे रखी हूँ तो उसके दोस्तों पहला इसका फर्स्ट तरीके देखेंगे। फर्स्ट कौन सा होगा हमारा, 20% कमी तो हमारी परसेंट कितनी होती है, 100% होता है। तो करना हमें करना क्या है, हमें जब कमी बोले तो 100 में घटाएंगे, जब वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ेंगे। तो 20% कमी 80/100 गुणा और उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि कितना हो गया, 180/100। अब करना क्या है दोस्तों, हमें 100 को सेपरेट रखना है, 100 को हमें काटना नहीं है। अब 10 से 10 और 10 से 10 18/144 और ये वाला बटी 100। अब यहाँ देखिए, आप कोई चीज़ 100 थी और 144 हो गई तो कितने % प्रभावित हुई है, कितने % उसकी वृद्धि हुई? 100 से कोई चीज़ 144 हो रही है तो कितने % वृद्धि हो रही है दोस्तों, 44% की। कितने की, 44% की। देखते हैं अगला टाइप इसका, देखते हैं इसका दूसरा तरीका क्या होगा, सेकंड टाइप इसका, सेकंड इसी सवाल का सेकंड मतलब और किस प्रकार से कर सकते हैं देखेंगे हम। 20% कमी है तो 20/ लिख लो फ्रैक्शन में, 20% हटाएंगे नीचे 100 डाल लिख दो, 20/100 काट लीजिए आप 10 से 10 या फिर 1/5 20/100। अब इसको देख लो 80/ कितना हमारा, 100 काट दो 0/0 2 से 2 × 4 और 2 × 5 = 10 200 कट गया, 2 × 4 = 8 2 × 5 = 10। अब भी ये पहले और बाद देख लो, पहले कितनी है हमारी 5 और बाद में कितनी होगी हमारी, कमी हो रही है तो कितनी होगी 4 और पहले कितनी हमारी 5 और बाद में कितनी हो गई दोस्तों 9। वृद्धि अगर कमी हो रही तो घटाएंगे और वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे। अब देखो 25 और 9 × 4 = 36 कोई चीज 25 थी और 36 हो गई तो कितना बढ़ गई हमारी, 25 × 36 = 5 और 11 11/ कितना हमारा 25 और गुणा % के लिए 100 काट दो 25 × 100 और 11 × 44 44% दोस्तों इस तरीका से आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो तरीका अच्छा लग रहा हो ये वाला और ये वाला आप दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक तरीका और है सर, दोस्तों इसका एक तरीका और भी है, कौन सा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा a+b और +a/b/100 आप इससे भी कर सकते हैं। अब इससे और इससे और इससे आप किसी से भी सवाल को बीट कर सकते हैं दोस्तों, आपको जो इसमें करने में आसानी है, कुछ बच्चों को ये अच्छा लगेगा, कुछ को ये अच्छा लगेगा और कुछ को ये अच्छा लगेगा, और दोस्तों जिससे आपको अच्छा लग रहा है उससे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन 3 तुम्हारा और जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो चौथा टाइप होगा, 3 टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसका चौथा टाइप होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिए जाए तो उसकी सतह पर तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। कोई हमारा घन है और घन की साइड, घन की आयतन की बात नहीं कर रहा है, घन की साइड की क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो घन की साइड का क्षेत्रफल होता है 6a² दोस्तों। जब भी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे जो अभी हमने तरीका बताया था उसी तरीके से करेंगे, सवाल अलग था इसलिए रूपरेखा इसके सवाल के अलग है, ये क्षेत्रफल संबंधित सवाल है हमारा। तो करेंगे देखेंगे इसके मल्टी सॉल्यूशन, देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं हमारे। एक तुम्हारा क्या हमारा 50% बढ़ा दिया जाए
तो 50% बढ़ा दिया है। मैंने आपको भी बताया जब बढ़ाने की बात करें तो 100 में जोड़ेंगे, और घटाने की बात करें या कमी की बात करें तो 100 में घटाएंगे। तो 150/100 लिख दीजिएगा और 150/100 लिख दो। अब करना क्या है आपको, अब आपके लिए ये वाला 100 सेपरेट रखना है हर बार। ये वाला मेथड करो तो ठीक है, जब आप इस वाले मेथड से कर रहे हो तो 100 आपको सेपरेट रखना होगा। काट लीजिए 0 से 0, 0 से 0, 15 का वर्ग कितना होता हमारा 225/100 और ये वाला 100। अब मुझे आप ये बताइए, कोई चीज़ 100 थी और 225 होगी तो कितनी बड़ी, वो कितनी बड़ी 125 और परसेंट। दोस्तों इसका आंसर कितना होगा 125%। कोई चीज़ 100 थी 225 होगी तो वो 125% बढ़ गई। ये तो हमारा टाइप फर्स्ट था। और ये कब, ये घन, घन में तीन घन क्यू होता है, घन का क्या क्यू। और जब घन बोले, अगर घन बोल का कोई दिक्कत नहीं, अगर उसने यहाँ पर आयतन बोला होता है तो जब आयतन बोलता तो ये वाला तरीका नहीं होता, तो उसका तरीका कुछ और होता। जब क्षेत्र में बात करें, घनों वर्गों आयतों कुछ भी हो, हमारा सर्कल भी वृत्त भी हो, तब भी ये तरीका चलेगा। कोई सी भी टू डायमेंशनल कोई सी भी आकृति हो, सभी के लिए ये अप्लाई होगा। देखते हैं इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ए प्लस बी और प्लस ए गुणा बी बटे 100, इससे आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई होगा, जब टू डायमेंशन मतलब दो बार स्क्वायर बोलेगा क्षेत्र बोलो तभी अप्लाई होगा। देख लो 50 कितना बड़ा, 50 और प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50/100, काट दो 0 से 0, 0 से 0, 50/50 100 और प्लस 25 और 100 125 कितना आएगा दोस्तों 25%। और एक तरीका कौन सा हमारा, वो वाला फ्रैक्शन वाला। दोस्तों जो फ्रैक्शन वाला तरीका है वो बहुत ही रामबाण तरीका है, वो आगे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करेगा, इससे आप छोटे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। और जो फ्रैक्शन वाला तरीका है आप उससे आधी मैथ को सोल्व कर सकते हो, विद रेशियो और हमारा वर्क एंड टाइम को उससे हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। देखेंगे अभी अगली वीडियो आएंगी उसमें हम उसका प्रयोग बहुत ही याद करेंगे। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 5 और टाइप हमारा 5 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो टाइप हमारा 5 होगा। देखते हैं इसमें चार्ट, हम पार्ट चार टाइपों को पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा टाइप 5 होगा। केवल इस वीडियो हम टाइपों को कंप्लीट करा रहे हैं, मतलब कितने प्रकार के क्वेश्चन परसेंट में आ सकते हैं। जितने प्रकार के क्वेश्चन हमें परसेंट में देखने को मिलते हैं एग्जाम में या हमारी बुकों में प्रैक्टिस शीटों में, वो टोटल टाइप आपको कवर कराए जाएंगे। इसमें 5 या 6 टाइप होंगे आने वाली वीडियो, 5-6 टाइप उसमें होंगे, 2-3 वीडियो हम टोटल टाइप कवर परसेंट ही कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट से या अपनी बुक से क्वेश्चन लगा देखना इस टाइप के, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब हम यहाँ क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप देखने में भी आपको दिक्कत होगी। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक गोलक की त्रिज्या 50% वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों परसेंट यहाँ भी वृद्धि है, पर जिस टाइप से आप सोच रहे हो उस टाइप से आपको नहीं करना है। करना क्या है, यहाँ पर आयतन बोल दिया दोस्तों, आयतन 3-डायमेंशनल होता, मतलब त्रिभुवीय होता हमारा, द्विभुवीय आकृति होती तो हम इसको उस वाले मेथड कर देते, और इसके त्रिभुवीय आकृति है तो क्या करेंगे हम दोस्तों। करना क्या हमें 50 है, बहुत ही सिंपल जो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वाला। दोस्तों जो फ्रैक्शन वाला ट्रिक है वो रामबाण ट्रिक है, वो इस वाले चैप्टर में और आने वाले कई चैप्टरों में विद CISI तक उसमें वो एक ही टाइप, अगर आपने एक ही टाइप कर लिया ये वाला तो ये कई चैप्टरों को फिनिश कर देगा। देखते हैं 50/100 काट लो 1/2। अब करना क्या है, मैंने आपको बताया पहले और बाद, ये तो पहले बात आपको समझाने ही बोला मैंने, आप जब एग्जाम करोगे तो पहले बात नहीं लिखोगे, आपको पता है पहले कौन सा बात कौन सा है। तो पहले कितना 2 था, अब वृद्धि बोले तो जोड़ के और कमी बोले तो घटा के, 2 था 1 बढ़ के कितना हो गया, सॉरी 2 है, 2 था और 1 बढ़ के कितना हो गया हमारा 3। अब दोस्तों आयतन कितना होता है, त्रिभुवीय होता है, आयतन त्रिभुवीय होता है तो 3 का कर देंगे क्यू। अगर हमारा क्षेत्रफल होता तो इसका करते हम यहाँ कर देंगे क्यू। 2 का कितना होगा हमारा 8 और 3 का कितना होगा हमारा 27।
अब देख लो कोई चीज़ 8 थी और 27 होगी तो कितनी बढ़ गई हो, कितनी बढ़ गई दोस्तों, 17 और 2 19, 19 बटे 8 गुणा 100, काट लो सर, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, काट दो उसको आधे को, कितनी आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 बचा 5 दूनी 10, 9.5, अब गुणा कर दो उसकी, 25 पंजे 125 हासिल किया 12 और 25 निम्मा कितने होंगे हमारे, 25 निम्मा 25 सत्ते 125 25 सत्ते 200, 25 निम्मा 225, 225 और 12 कितने हो गए 237 और दोस्तों एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट, तो कितना हो गया हमारा, यह आंसर हो गया हमारा 237.5% क्या होगी, वृद्धि हो गई दोस्तों, 237.5 की हुई हमारी वृद्धि होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आयतन बोल रहा है तो यहाँ क्यू करना है और वर्ग बोल रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर करना है, तरीका हमारा यही होगा और मेरे लिए ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट है फ्रैक्शन वाला। और दोस्तों और भी कंसेप्ट इसके सेपरेट मान के हो जाएगा पर आपको उसमें 3 बार 50 वाला लिखना पड़ेगा, 3 बार 150 ऐसे लिखना, होगा 150/100 और गुणा 150/100 गुणा 150/100। अब दोस्तों क्या इसमें काटने में थोड़ी दिक्कत आई आपको, बड़ा सवाल हो जाएगा पर काटने में दिक्कत आई, इससे मिला करेंगे हम जहाँ आपको तरीका सही लगे, जहाँ जल्दी जो टाइम हम बचा रहा है उसी से करेंगे, ना कि भाई हमें तो उसी से करना है, नहीं, जिससे हमारा टाइम बच रहा है उसी से करेंगे। और जो वाला हमारा ये वाला, तो ये वाला ही फॉर्मूला हमारा इसमें काम कर जाएगा, ये वाले हमारा काम कर जाएगा, पर दोस्तों करना क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हमें 2 बार लगाना होगा क्योंकि त्रिभुवीय आकृति है तो 2 बार लगाना होगा, और द्विभुवीय आकृति तो हमारा एक ही बार काम कर जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले से कर रहे हैं तो हो इससे भी आएगा, पर करना होगा ये फॉर्मूला हमें 2 बार अप्लाई करना होगा। इन दोनों फॉर्मूले बच के, उन दोनों मेथड बच के ये वाला मेथड हमें सबसे बेस्ट लगा। दोस्तों आपको जो अच्छा लग रहा है आप उससे कीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और टाइप पसंद आ रहे हो दोस्तों, तो हमारे इन कराने का मकसद यही है कि जो परसेंटेज टाइप होते हैं अक्सर बच्चे परसेंट टाइप में लग जाते हैं, सवाल तो कर लेते हैं, कुछ टाइप उनको छूट जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और जो वो जैसे मान लो कोई टाइप छूट गया, एग्जाम आ गया तो आप नहीं कर पाओगे, छूट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा हमारा। तो करना क्या हमें, टोटल जितने भी टाइप होते हैं तो हम आपको टोटल प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, और मल्टी सॉल्यूशन से, मतलब एक के कई सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 टाइप होगा हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है, यदि लंबाई को 20 मीटर और चौड़ाई को 30 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों ये सवाल मैंने इसलिए लिया है, सवाल इस टाइप को हम करा चुके हैं, ये टाइप सवाल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो आंसर दे रखा है हमारा जो 20 और 15, इसका दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है, केवल जो हमारा आंसर है यहाँ पर, अगर इसमें अंकों में मान बूझता तब तो इसका प्रयोग होता, अगर अंकों में मान नहीं बूझ रहा है हमारा, केवल परसेंट ही बूझ रहा है हमारा, तो क्या करेंगे हम इनसे, इनको हम नहीं सवाल में लेंगे, तो क्या करेंगे 20% और 30% सवाल हमारे जीवन के, कि एक में 20% की वृद्धि कर दिया है, एक में 20 की और एक में 30 की, तो आप आसानी से कर सकते हो। अब जो मेथड आपको अच्छा लगे उसे कर दीजिए आप, 100 बटे हमको जो अच्छा लगता है हम उसे कर देते हैं, 20% की क्या वृद्धि बढ़ा दिया है तो 120 बटे कितना हमारा, 100 गुणा 130 बटा 100। अब 100 को आप सेव रखिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 और 12 13 गुणा कितनी होगी 132 बटे 100, पहले 100 था और 132 होगा, कितना बढ़ गया 32%। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों परसेंटेज के जितने भी टाइप होंगे हमारे, कितने भी टोटल टाइप आप कवर कराए जाएंगे, चाहे वीडियो 2 बने 3 बने 4 बने, उससे आप निश्चिंत रहिए। तो इसकी ये पार्ट हमारा फर्स्ट था, इसमें हमने 6 टाइपों को कवर किया दोस्तों, और 6 टाइप को देखने के बाद आप दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए। क्या मैथ, क्या प्रैक्टिस, मैथ में कोई भी अच्छे मार्क्स ला सकता है, केवल प्रैक्टिस ऊपर है दोस्तों। इन टाइपों को देखिए, केवल ये मुश्किल से 20 मिनट में आपको कवर करा दिया जाएगा, अगर हम क्वेश्चन कराते तो 1 घंटे क्लास हो जाती और आपको बेनिफिट भी इतना मिलता। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लाके कुछ ना बना करा कर डार्ट हमने टाइपों करा दिया, और जो आपको टाइप पसंद आया मल्टी सॉल्यूशन से आपको टाइप कराए हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।